लर्निंग लोकस चैनल पे आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज 14 नवंबर है और आज करंट अफेयर्स में कुल 9 टॉपिक्स है जिन्हें हम 9 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। आज का पहला प्रश्न है, साल 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? इसका उत्तर है बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पे 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होना है। देखते हैं पूरी बातें। देखिए, अब इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी पहली बार शामिल नहीं होगी। अभी तक का जो डिसीजन दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष, नाम है लुइस मार्टिन ने, कि निशानेबाजी नहीं शामिल होगी। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1974 से हो रहा है तो पहली बार निशानेबाजी शामिल नहीं होनी है। इस बात का भारत ने विरोध किया है और कहा है कि अगर निशानेबाजी शामिल नहीं होगी तो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करेगा। आप जानते होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो पिछला हुआ था 2018 में, यह गोल्ड कोस्ट में हुआ था जहां भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। कुल 66 मेडल्स लिए थे जिसमें से 26 गोल्ड मेडल्स थे। तो अगर भारत शामिल नहीं होता है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में तो यह ठीक नहीं होगा, खेल के लिए भी, भारत के लिए भी और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ भारत आए हुए हैं। आज 14 नवंबर को 2 दिनों की इनकी भारत यात्रा है और यहाँ पे ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव श्री राजीव मेहता के साथ साथ भारतीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू से भी बातचीत करेंगे और इस बहिष्कार को अथवा निशानेबाजी को, दोनों में से कोई एक बात पे सहमति बनने की संभावना है। या तो भारत बहिष्कार नहीं करेगा अथवा निशानेबाजी शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से पहला टॉपिक हुआ हमारा 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स। जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न जो एग्जाम से पूछे जाएंगे प्रश्न हो सकते हैं, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, उत्तर आपको पता चल गया है। इसमें निशानेबाजी को शामिल नहीं किए जाने की बात चल रही है, यह भी प्रश्न बनेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष कौन है, लुइस मार्टिन, यह प्रश्न बनने की संभावना थोड़ा कम है। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा, महासचिव है राजीव मेहता, हमारे खेल मंत्री का नाम सब जानते हैं श्री किरण रिजिजू, और 2018 में यह गोल्ड कोस्ट में हुआ था जहां भारत तीसरे स्थान पे रहा था। इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित। कूड़ा मुक्त शहर रैंकिंग में प्रथम कौन आया है, इसका उत्तर देखते हैं। नवी मुंबई आया है प्रथम कूड़ा मुक्त शहर रैंकिंग में, अर्थात गार्बेज फ्री सिटी में। एक थर्ड पार्टी की एजेंसी थी, मतलब न सरकार की थी न किसी राज्य की थी, सरकार ने हायर कर रखा था कि इंडिपेंडेंट एजेंसी को। उस एजेंसी ने कुल 22 शहरों का, देश के कुल 22 शहरों का इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करके उनको स्टार रेटिंग दिया। स्टार रेटिंग के तहत सबसे अधिक स्टार नवी मुंबई को 5 स्टार मिला, उसके बाद 3 स्टार तलाला को और 3 ही स्टार करनाल को मिला। इस तरह से अगर स्थान की बात करते हैं तो नवी मुंबई फर्स्ट पोजीशन पे, तलाला सेकेंड पोजीशन पे और करनाल थर्ड पोजीशन पे आया गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग्स में। जो एक इवोल्यूशन हुआ था, मूल्यांकन हुआ था, मूल्यांकन के 25 आधार थे, 25 मानक आधार थे, इसके आधार पर हुआ था और सिटीज को स्टार मार्क दिया गया था। आपने देख लिया सब कुछ। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं पूरा मुक्त शहर की रैंकिंग में प्रथम कौन आया है, और दूसरे तरह से भी हो सकता है कि नवी मुंबई को कितना स्टार मिला है, तो उत्तर है 5। अकेला शहर नवी मुंबई है जिसे 5 स्टार मिला है, बाकी किसी को भी नहीं मिला है। 3, साल 2019 का कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा, इसका उत्तर पंजाब। पंजाब में होना है 2019 का कबड्डी विश्व कप, यह 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा।
इसकी घोषणा अभी अभी हुई है, मतलब इसकी घोषणा 13 नवंबर को हुई है। कहीं किसी और देश में प्लान था 2019 का कबड्डी विश्व कप करना, किंतु पंजाब सरकार के रिक्वेस्ट पर और गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर इस खेल को पंजाब में आयोजित किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा, और यह खेल इस कारण से पूरी तरह से समर्पित होगा गुरु नानक देव जी को। इसमें 9 टीमें भाग लेंगी, किंतु इन 9 टीमों में से पाकिस्तान और कनाडा दोनों को अभी भारत सरकार ने क्लियरेंस नहीं दिया है, अनुमति नहीं दी है। तो इस तरह से प्रश्न हो सकता है 2019 का कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा या कहाँ हुआ है। उत्तर है पंजाब में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब होता है? इसका उत्तर है 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस होता है 20 नवंबर को। आप सब जानते हैं आज 14 नवंबर है और आज है बाल दिवस, लेकिन प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। यह है कंटेक्स्ट कि 20 नवंबर 1949 को 59 को 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों के घोषणा पत्र को अपनाया। इसी अवसर पे हर साल 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र मनाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। हम भी मनाते रहे 1959 से, हम भी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस या बाल दिवस मनाते रहे हर वक्त 20 नवंबर को ही। किंतु जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया 1964 में, 27 मार्च 1964 में, तो सबने एकमत से कहा कि इनके जन्मदिन अर्थात 24 नवंबर को मनाएंगे हम बाल दिवस। और तब से 1964 से हम हर साल 24 नवंबर, 24 नहीं 14 नवंबर को ही मनाते हैं हम बाल दिवस। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। तो इस तरह से प्रश्न हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाते हैं। उत्तर आपका होगा 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कौन मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र मनाता है। क्यों मनाता है आपने देख लिया, प्रश्न में होगा नहीं। अगर आप मेंस के लिए अप्लाई अपेयर कर रहे हैं तो शायद हो सकता है। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपको उत्तर मिलेगा अभी, जस्टिस मोहम्मद रफीक। यही फोटो है जस्टिस मोहम्मद रफीक का। इनको मेघालय के राज्यपाल नाम है तथागत रॉय। इन्होंने पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया है। जस्टिस मोहम्मद रफीक जस्टिस अजय कुमार मित्तल को रिप्लेस कर रहे हैं, उनका जगह ले रहे हैं मेघालय उच्च न्यायालय में, क्योंकि जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। फिर से, मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे जस्टिस मोहम्मद रफीक, और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अजय कुमार मित्तल। मेघालय के राज्यपाल का नाम याद रखेंगे तथागत रॉय, और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती ऑडियो विजुअल गान के गीतकार कौन हैं? ऑडियो विजुअल गान अर्थात ऑडियो विजुअल एंथम, इसके गीतकार कंपोजर कौन हैं? उत्तर मिलेगा आपको रिकी केज कंपोजर हैं। देखिए, हमने पहले भी देखा हुआ है कि 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अर्थात IFFI। IFFI हर साल गोवा में ही होता है, इस साल भी हो रहा है, लेकिन इस साल यह 50वीं बार है, अर्थात गोल्डन जुबली है, स्वर्ण जयंती है। तो इस अवसर पे काफ़ी विशेष तरीके से मनाया जा रहा है, और इस बार हुआ है एंथम एक लॉन्च हुआ है, जिस
जिसे बोलेंगे ऑडियो विजुअल एंथम। तो इसके गीतकार कौन है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, प्रश्न बनना मुमकिन है, इसलिए इसको लाया गया आपके सामने। देखिए जो बना हुआ है ऑडियो विजुअल एंथम, इसमें 50 फिल्मों का क्लिप है और 9 रसों से सजाया गया है उस क्लिप को। आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो आप ऑडियो विजुअल एंथम डालिए, आपको दिख जाएगा। 2 मिनट का है क्लिप। इसमें प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्र ने भाग लिया है। ये विभिन्न मुद्राओं को दर्शा रही है 9 रसों में। इनाम इनका है गीता चंद्र, इनको पद्मश्री मिला हुआ है और ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और आप जानते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, टीएन तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है यह भरतनाट्यम। इसी अवसर पर एक रेडियो जिंगल भी शुरू हुआ है, जिसका प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसे लिख दिया है। तो प्रश्न बन सकता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली के अवसर पर ऑडियो विजुअल गान में किसने भाग निभाया है, रोल लिया है। तो रोल होगा इनका गीता चंद्र का रोल होगा, जो भरतनाट्यम की नेतांगना है। साथ में किसने कंपोज किया है, रिकी केज ने कंपोज किया है। देसी विदेशी 50 फिल्मों का क्लिप है और 9 रसों से सजाया गया है। योग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन योग फॉर हार्ट केयर, ये होने वाला है मैसूर में, जो कर्नाटक में है। पूरी बातें, यह 15 से लेकर 16 नवंबर तक चलेगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसे आयुष मंत्रालय आयोजित करेगा, ये आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। इसकी थीम याद रखिए, इसकी थीम है हृदय की देखभाल, केयर ऑफ हार्ट, योगा फॉर केयर ऑफ हार्ट, हृदय की देखभाल हेतु योग है, योगा फॉर केयर ऑफ हार्ट इसका थीम है। और कर्नाटक के राज्यपाल बाजू भाई वाला इसके मुख्य अतिथि होंगे। यहाँ पे आयुष मंत्रालय है, आयुष का फुल फॉर्म देख लेते हैं, आयुष, देखिए ए फॉर आयुर्वेद हो गया, सिंपल है, याद रहेगा आपको। वाई फॉर दो चीज होगा, योगा एंड नेचुरोपैथी, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, योगा एंड नेचुरोपैथी। यू फॉर यूनानी, एस फॉर तीन होगा, इसमें होगा सीधा, एस फॉर इसमें तीन होगा, सीधा सोवा और रिग्पा, इसमें तीन होगा, सीधा सोवा और रिग्पा तीन है यहाँ पे, और एच फॉर होम्योपैथी। इस तरह से आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी, यू फॉर सीधा सोवा और रिग्पा, एच फॉर होम्योपैथी। प्रश्न संख्या आगे का, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हो रहा है, इसका उत्तर है प्रगति मैदान नई दिल्ली में यह आयोजित हो रहा है। आज से लेकर यह 14 दिनों तक चलेगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है तिथि को आपको। यह 39th नंबर का संस्करण होगा, यह भी याद नहीं रखेंगे। अगर मेला के साथ 2019 लगाता है तो उत्तर आप दे सकते हैं, या 39th कह सकता है, तब थोड़ा जानना पड़ेगा कौन सा संस्करण था। इस तरह से चल रहा है 39th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, अर्थात इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। चित्र से आप देख सकते हैं, उसी का सिंबल लगाया है यहाँ पर। इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। और जो याद रखना है आपको, अब चार नीचे के चारों याद करने हैं। थीम इसका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी हिंदी होती है व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थीम है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। इसमें पार्टनर देश है अफगानिस्तान, फोकस देश है दक्षिण कोरिया, और फोकस राज्य है बिहार एंड झारखंड। इस तरह से आपको याद रखने हैं चारों लाइन, थीम इज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात व्यापार सुगमता, पार्टनर देश अफगानिस्तान, फोकस देश दक्षिण कोरिया, और फोकस राज्य बिहार एंड झारखंड। अंतिम प्रश्न पे आते हुए देखते हैं, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है। ये चित्र देख रहे हैं सुंदर सिंह गुर्जर का है, इनका संबंध भाला फेंक से है अर्थात जेवलिन थ्रो से है। देखिए भाला हाथ में लिया है इन्होंने
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि दुबई में चल रही है, उसमें इन्होंने भाला फेंक के एक वर्ग है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। वर्ग का नाम है मेंस F46 जेवलिन थ्रो, पुरुष F46 भाला फेंक वर्ग, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में किसी व्यक्ति का खेल से संबंध, तो ऐसा ही प्रश्न बनाने की कोशिश किया है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है अभी? दुबई में। इनका वर्ग पूछने की काफ़ी कम संभावना है, किस वर्ग में जीता है याद रख सकते हैं, F46 भाला फेंक वर्ग में। तो दोस्तों इस तरह से आज 14 नवंबर को ख़त्म होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, साथ में इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।